दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? मस्त हैं? देखिए दोस्तों, ओहो, आपने सोचा मेरे हाथ में क्या है? ब्लाउज है, ब्लाउज है ही मेरे हाथ में ब्लाउज। अब आप लोग कहेंगे इसमें क्या खासियत है, ब्लाउज तो हर महिला पहनती हैं, हर लड़कियां पहनती हैं, इसमें क्या नया है? है ना नया? नया है। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे घर के सामने एक लेडी है, तो वे एक बार सूट सिलती हैं, ओनली सूट, ब्लाउज नहीं सिलती हैं वे। उनके घर टहलने गई थी, मेरे घर के पास में है, सामने में है। तो हुआ यूँ कि वे मेरे सामने कटिंग करके उस कपड़े को कट्टे में डालने जा रही थी, जिसको बोरा भी कहते हैं, कट्टा भी कहते हैं, उसमें डालने जा रही थी। मैंने बोला भाई इस कपड़े का काम नहीं है क्या, कोई यूज नहीं है क्या? बोली कि नहीं, सूट मैंने सिली, ऐसा कोई यूज नहीं है। फिर मुझे दिखाना, मुझे दिखाया, कपड़े दोस्तों बहुत ज़्यादा थे। मैंने कहा अरे बाप रे, इतना कपड़ा है। मैंने दिमाग लगाया, ऐसे ची क्यों नहीं इसको ब्लाउज बना लिया जाए। फिर मैंने इसको जोड़ तोड़ के कपड़े को ऐसा ब्लाउज बना ली दोस्तों। मेरा दिमाग नहीं था, मेरे जैसा दिमाग है आप लोगों के पास? दोस्तों देखिए, ये साड़ी के साथ भी मैच कर रहा है ना। देखिए, इसी गर्मी के मौसम में क्या होता है ना, अस्तर वाला पहनना तो बहुत ज़्यादा गर्म लगता है, तो आप कॉटन का पहन सकते हो। ये कॉटन का कपड़ा है, सॉफ्ट है, तो मैंने इसलिए बना लिया। और ये मेरी मम्मी भी पहन सकती हैं, मेरी भाभी पहन सकती हैं, मैं पहन सकती हूँ। इसमें तीन चार लोग इसका नाप, एक ही नाप के लोग तीन चार लोग पहन सकते हैं। मैं बना ली और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए, और खुशी इस बात की हो रही है ना कि मैंने कपड़े खरीदे नहीं, बचे हुए कपड़े को बनाए। और इस बात की ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने खुद से बनाए दोस्तों, मैंने खुद से ब्लाउज बनाए, तो मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस पता है आपको, बस इसमें हेम बाकी है, हूँ काज बाकी है, कि पहन भी लूँगी, है ना दोस्तों, खुशी की बात। अगर मेरे जैसा दिमाग चाहिए ना, तो मेरे साथ जुड़े रहना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और कमेंट करके बताना होगा कि मेरा ये आइडिया सचमुच में आप लोगों को कैसा लगा। कमेंट करें और बताएं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।